फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। सऊदी अरेबिया में एक्सपैट्स, एक्सपैट्रिएट्स या गैर मुल्की भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जी हाँ, सऊदी अरेबिया में एक्सपैट्स एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की या एक्सपैट्रिएट्स को एक प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त दी है और उसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या रूल्स हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। सबसे पहले तो ये कि जो सऊदी अरेबिया में गैर मुल्की या एक्सपैट्स मुकीम हैं, उनका जो इकामा है यानी कि जो उनका रेजिडेंट परमिट है, वो वैलिड होना चाहिए, है कानूनी होना चाहिए, है कारगर होना चाहिए, है उस प्रॉपर्टी की तमाम इंफॉर्मेशन मालूमात मौजूद होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए और साथ में तमाम दस्तावेजात की, तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी मौजूद होनी चाहिए। उस गैर मुल्की के नाम जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके नाम पर इससे कबल सऊदी अरेबिया में और कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होनी चाहिए। वो जो प्रॉपर्टी जो गैर मुल्की ने खरीदनी है वो प्रॉपर्टी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद ना हो। गैर मुल्की जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है वो प्रॉपर्टी उसकी अपनी रिहाइश के मकसद के लिए ही इस्तेमाल में लाई जाएगी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती हूँ कि आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदने का इरादा किया है और आप गैर मुल्की हैं, इकामा होल्डर हैं, तो आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपने प्रॉपर्टी तलाश करनी है। जब आपने प्रॉपर्टी पसंद कर ली तो आपने उस इमारत का सर्वे करना है। तो उस सूरत में आपने ब्रोकर या अकार वाले से राबता करना है, वो आपकी मदद करेगा कि वो प्रॉपर्टी आपको अंदर से दिखाए और उसके बारे में तमाम मालूमात आपको वो दे। इसके बाद आपने कीमत पर एग्री करना है और जो ब्रोकर है यानी कि जो रियल इस्टेट का एजेंट है वो 2.5% से ज्यादा लेने का हकदार नहीं होता है। यानी कि जो भी आपकी टोटल प्राइस है जिस पर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसमें का 2.5% जो है वो ब्रोकर को दिया जाता है। ये जो 2.5% स्टेट एजेंट का या ब्रोकर का कमीशन है ये गैर मुल्की नहीं देगा बल्कि प्रॉपर्टी का मालिक देगा उस एजेंट को। इसके बाद गैर मुल्की ने लेनी है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की परमिशन यानी कि MOI की परमिशन, जिसका तरीका मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगी। वहां आपने दरखास्त देनी है, अप्लाई करना है मॉर्गेज एंड प्री अप्रूवल के लिए और वो दरखास्त मंजूरी हासिल करनी है। इसके बाद आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और अपनी पेमेंट को जो रकम है उसको आपने तैयार रखना है। इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन या इंदराज कराना है जिसके लिए आप नोटरी के पब्लिक ऑफिस में जाएंगे और ये मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कहलाता है। अगले मरहले पर ट्रांसफर ऑफ डीड्स की कार्रवाई होगी और इस मकसद के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के नोटरी पब्लिक ऑफिस का आखिरी बार दौरा करेंगे। इस तरह आप अपने नाम अपनी प्रॉपर्टी का टाइटल डीड जो है वो हासिल कर लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अप्रूवल के लिए कैसे अप्लाई करना है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो गैर मुल्की हैं वो अपने अपशेर अकाउंट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने अपशेर अकाउंट पर लॉगिन करना है जो कि है apshare.sa। इसके बाद आपने सर्विसेज के टैब पर क्लिक करना है और फिर माई सर्विसेज पे जाना है। वहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें आपने जनरल सर्विसेज को सेलेक्ट कर लेना है। वहाँ पर आपने क्लिक करना है रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी ओनिंग फॉर नॉन सऊदीज पर। वहाँ पर आप एक नए सफ़े पर, नए पेज पर दाखिल होंगे जिसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी जिसके तहत कोई भी गैर मुल्की या फॉरेनर सऊदी अरेबिया में प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो वहाँ आपने क्रिएट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। फिर वहाँ आपने प्रॉपर्टी की तमाम इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। एक बात का ख्याल रहे कि आपका इकामा सिर्फ इस बुनियाद पर रिन्यू नहीं होगा कि आप सऊदी अरेबिया में प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आप सऊदी अरेबिया में प्रॉपर्टी खरीद लें लेकिन इससे आपको अपने इकामे को रिन्यू करने का हक हासिल नहीं होगा। आपका प्रॉपर्टी खरीदना आपके इकामे के मसले से मंसूब नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास वैलिड इकामा नहीं है तो आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। और अगर आपका इकामा प्रॉपर्टी खरीदने के बाद इनवैलिड हो जाता है किसी वजह से तो सिर्फ प्रॉपर्टी की बुनियाद पे आपका इकामा रिन्यू नहीं किया जाएगा। प्रॉपर्टी का आपके इकामे से या उसके रेनोवेशन से ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा एक जनरल रूल के मुताबिक जो नॉन सऊदीज हैं, जो गैर मुल्की हैं, जो सऊदी नहीं है, वो मक्का और मदीना में प्रॉपर्टी खरीदने के अहल नहीं है। अलबत्ता सऊदी अरेबिया में मुकीम इकामा होल्डर ये गैर मुल्की रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के वो शेयर्स खरीद सकते हैं जो मक्का और मदीना में किसी प्रॉपर्टी की मलकियत रखते हों। तो गोया इस तरह इनडायरेक्टली वो मक्का और मदीना में जायदाद खरीद सकते हैं।
वो गैर मुल्की जिनके आबाओ अजदाद या बाप दादा की तरफ से प्रॉपर्टी इनहेरिटेड हुई हो तो उनका क्या हिसाब किताब है? जी हाँ, वो भी इस सूरत में प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं। ये वो जायदाद होती है जो उनके माँ और बाप की तरफ से उनको मिलती है। मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे नॉन सऊदी ऐसे भी हैं जो इकामा होल्डर हैं और उनको नेशनैलिटी नहीं मिली, जबकि उनकी माँ जो है वो सऊदी थी या उनके आबाओ अजदाद जो हैं वो सऊदी हुआ करते थे और उनसे को वो प्रॉपर्टी मुंतकिल हुई। तो इस तरह वो इकामा होल्डर लोग भी जायदाद के मालिक सऊदी अरेबिया में हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उनको विरासत में मिलती है। जो प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई हो, यानी कि खैराती और मजहबी मकसद के लिए जो प्रॉपर्टी दी गई हो, तो उसका क्या क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जो प्रॉपर्टी वक्फ के लिए दी गई हो, उसके लिए कोई भी जो गैर मुल्की है उसको ये हक हासिल नहीं है कि वो उस पर अपना हक जताए, खासतौर पर उस वक्त जब औकाफ की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंडोमेंट इसको सुपरवाइज कर रही हो। सो आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको दी होगी अच्छी और अहम मालूमात, और आपने जुड़े रहना है मेरे साथ। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, मा सलामा, बाय बाय।